ये कहानी है सदियों पुरानी। एक राज्य में एक बड़े ही रहता था। उसकी कला में जादू था। वो सब कुछ बना लेता था, सुंदर सुंदर घर, पुल या ऊंची मीनार। वो और उसकी बीवी काफी समय से एक संतान की आस में थी। सुनते हो, क्या पता हमको संतान कब होगी। भगवान पे भरोसा रखो, वो हमारे साथ है। मुझे विश्वास है कि वो हमारा दुख दूर करेगा और हमें भी संतान का सुख देगा। और फिर उनकी बात सच हुई। वो जल्द ही माँ बाप बनने वाले थे, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। उनके राज्य में एक बहुत बुरी बीमारी फैली, प्लेग की। बड़े की बीवी भी बीमार हो गई, बहुत बीमार। सुनो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा सर फटा जा रहा है और पूरा शरीर दुख रहा है। कहीं मैं अपने बच्चे को देखे बिना न मर जाऊं। ऐसी बात मुंह से ना निकालो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस आराम करो और मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। प्लीज जल्दी ले आओ, मेरा तो दम निकला जा रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हूँ। वैजी, वैजी, जल्दी चलो। माफ करना, बहुत बुरा प्लेग फैला है, सब लोग मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं है इसका। तुम चलो, मैं जल्दी ही अपने मरीज निपटा के आता हूँ तुम्हारे घर पे। मेरी प्यारी बीवी। मुसाफिर, तुम इतने परेशान हो। मेरी बीवी प्लेग से बीमार है, वो मर जाएगी, अपने संतान को जन्म दिए बिना ही मर जाएगी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उसको हमेशा से बच्चा चाहिए था, और अब जब सब मुमकिन हो रहा था कि ये बीमारी क्या कहा, बीमारी, संतान, आहा, तुमको बेटी ही होगी। मुझे हमेशा ही बेटी की ख्वाहिश थी, तो करते हैं हम सौदा। ये तोड़ोगे तुम ना कभी जिसे, दूंगी मैं एक औषधि जादुई, पीते ही जिसे ठीक हो जाएगी तुम्हारी बीवी। लेकिन बदले में देनी होगी अपनी बेटी जैसे ही वो जन्म लेगी। बड़ई उस जादूगरनी से की बात से घबराया तो, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। उसने जादूगरनी की बात मान ली और उससे औषधि लेके घर गया। जान, उठो और ये औषधि पी लो जल्दी से, इसमें जादू है, इसको पीते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। ओ, तुम आ गए, मुझसे सहन नहीं हो रही, बहुत तकलीफ हो, बस कोई जादू ही हो जाए। फिर जैसे ही उसकी बीवी ने वो औषधि पी, सबकी आंखों के सामने ही उसकी तबीयत ठीक होने लगी। वो खुशी से बोली, मेरे प्यारे पति, मैं फिर से अच्छा फील कर रही हूँ, पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अब मैं जीऊंगी, अपनी संतान के लिए जीऊंगी। आखिरकार वो जादूगरनी की बात सच हुई। उसने एक बेटी को जन्म दिया, नन्ही सी बेटी जो इतनी सुंदर थी।
उसके बाल सुनहरे थे मानो सोने के ही बने हो। फिर बड़ई ने भी उसको जादूगरनी से बचाने के लिए एक तरकीब निकाली थी। उसको पता था कि वो उसे लेने जरूर आएगी, इसीलिए उससे बचने के लिए उसने एक बहुत बहुत ऊंची मीनार बनाई थी जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी और एक छुपा हुआ द्वार जो सीढ़ियों से ऊपर जाता था। मीनार जंगल के बीचों बीच थी और सिर्फ उसको और उसकी बीवी को उसके बारे में पता था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो चुड़ैल कभी ये जगह नहीं ढूंढ पाएगी। हम अपनी बेटी को यहीं छुपा के रखेंगे और वो चुड़ैल आए भी तो हम नहीं कहेंगे कि कोई बेटी जन्मी है। फिर एक दिन जब वो जादूगरनी उनके घर आई, उसने बच्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बोले कि बच्चे के जन्म के साथ ही मर गई। पर ये सुन के जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। तुम झूठे मक्कार लोग, तुमने सोचा मैं बेवकूफ हूँ? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और ऐसा कहके वो जादूगरनी ने अपनी जादू से वो पति पत्नी को पत्थर का बना दिया। वो दोनों बुत बन गए हमेशा के लिए। सो जाओ सदा के लिए। आहा, मुझे पता है तुमने मेरी बच्ची को छिपा के रखा है और मैं अपने जादू से ढूंढ लूंगी। तो मेरी प्यारी मैजिक बॉल, बताओ तो सही, कहाँ है मेरी होने वाली बेटी? ले चलो मुझे वहाँ। और मीनार पे पहुंचने के बाद जादूगरनी ने वो द्वार तोड़ दिया और ऊपर चढ़ने लगी। तभी उसे पता चला कि ये एक चाल है। वो सीढ़ियों पर पैर रखते ही गिरने लगी। वो बहुत तेज भागी, किसी तरह से वो बचती हुई ऊपर तक पहुंच गई। वो बदमाश, वो मुझे अपनी मक्कारी से मारना चाहता था, पर मैं तो फिर भी जिंदा हूँ। फिर उसने नन्हे बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। अरे मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी माँ और तुम हो रपंजल। रपंजल हो तुम, प्यारी रपंजल, तुम बहुत सुंदर हो, अपने नाम जैसी ही, और मैं तुमको इस जालिम दुनिया से बचा के रखूंगी। बहुत दूर तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी मेरी बच्ची। और फिर कई साल बीत गए। जादूगरनी रपंजल का ख्याल रख रही थी और वो भी अब बड़ी हो रही थी। बहुत घने लंबे सुनहरे बाल थे उसके, जैसे कि उगते सूरज की किरण। रपंजल रपंजल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और जादूगरनी का इतना बोलना भर था कि ऊपर से रपंजल ने अपने लंबे बाल नीचे गिरा दिए और फिर वो जादूगरनी उसको पकड़ के ऊपर खिड़की तक चढ़ के आ गई। ओ माँ, मुझे कब बाहर जाने को मिलेगा? बाहर सब इतना सुंदर है, मुझे भी दुनिया देखनी है। रपंजल ने बाहर देखते हुए उदास मन से पूछा। नहीं रपंजल, मैंने मना किया ना, कुछ नहीं है बाहर तुम्हारे देखने जैसा। बहुत खतरनाक लोग होते हैं बाहर, तुम इस मीनार में ही सेफ रहोगी, हमेशा हमेशा। जादूगरनी मीनार के पर्दे बंद करते हुए बोली। फिर कुछ साल और बीत गए और वहां से एक राजकुमार गुजरा, एक जवान और सुंदर राजकुमार। न जाने कैसे जंगल में अपने घोड़े पे भटकता हुआ वहां पहुंच गया।
तभी उसे एक मधुर गाने की आवाज आई। वो खुद को रोक नहीं सका और खींचा चला गया। और फिर उसने देखा कि एक सुंदर सी प्रिंसेस है जो मीनार के ऊपर खिड़की में गाना गा रही है। उसने मीनार को देखा, ना कोई द्वार, ना ऊपर जाने का कोई रास्ता। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में। इतनी मोहक आवाज, मैं ऊपर कैसे जाऊं, कैसे इस लड़की से मिलूं? और फिर राजकुमार ने इधर उधर देखा, पर उसे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो हार के वापस अपने महल लौट गया। अपने मन में ऊपर जाके उस लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की को मिलने की ख्वाहिश लेकर। लेकिन अगली ही सुबह फिर राजकुमार उसी जगह पे पहुंच गया उस लड़की को एक झलक देखने के लिए। इत्तेफाक से तभी वो जादूगरनी भी वहां आई थी। रपंजल, रपंजल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और रपंजल के बाल गिरते ही वो जादूगरनी उनको पकड़ के ऊपर चढ़ गई। ओह, तो ऐसे जाते हैं ऊपर। और समझ के वो सुंदर राजकुमार अपने महल वापस लौट गए। और उसी दोपहर वो राजकुमार वहां मीनार पे पहुंच गया और उस जादूगरनी की आवाज बनाते हुए बोला, रपंजल, रपंजल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और उसकी तरकीब काम कर गई। रपंजल ने अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे फेंक दिए और वो उनको पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा। रपंजल अचानक एक अजनबी को खिड़की से अंदर घुसता देख के घबरा गई, पर राजकुमार ने उसे प्यार से समझाया, अरे तुम मुझसे डरो मत मेरी प्यारी राजकुमारी, मैंने तुम्हारी मधुर आवाज सुनी और मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम इतना अच्छा गाती हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मेरा एक ही मकसद है कि तुमको अपनी रानी बना लूं, अगर तुम इजाजत दो तो। ओह शुक्रिया, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, अगर अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। अभी नहीं, काफी देर हो चुकी है, रास्ता तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। मैं कल आऊंगा, तुम तैयार रहना, मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके चलूंगा। राजकुमार ने उसे वादा किया और उसके हाथ पे किस करके विदा ली। वो रपंजल के बाल पकड़ के वापस नीचे उतर गए। फिर अगली सुबह सुबह वहाँ जादूगरनी आई, उसने आवाज दी और रपंजल ने अपने बाल फेंके। रपंजल नींद में ही थी। उसने जादूगरनी को खींचा और जब वो अंदर आ रही थी तब रपंजल के मुंह से गलती से निकला, माँ तुम उस खूबसूरत राजकुमार से भारी कैसे हो? क्या खूबसूरत राजकुमार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पीछे यहाँ इस घर में क्या चल रहा है? मुझसे छिपके किसी से मिल रही हो तुम, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बहुत नाज है तुम्हें इन बालों पे, नहीं मैं इनको काट देती हूँ और तुमको तपते रेगिस्तान में भेज देती हूँ। और कुछ देर बाद जब वो राजकुमार रपंजल से मिलने मीनार पे पहुंचा, जादूगरनी ने अनजान राजकुमार की बात का फायदा उठाया। रपंजल, रपंजल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और ऐसा बोल के जब राजकुमार ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वहां सुंदर रपंजल नहीं है बल्कि जादूगरनी है।
हा, रपंसल अब यहाँ नहीं रहती, तो तुम ही हो वो कपटी राजकुमार जिसने मेरी बच्ची को अपनी बातों में फंसाया है, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये बोल के वो बुरी जादूगरनी ने राजकुमार को डरा के मीनार से नीचे गिरा दिया। और राजकुमार कांटों की झाड़ी में गिर गया। उसकी आंखों में भी कांटे चुभ गए और अंधा हो गया। वो कुछ देख नहीं सकता और कई दिन तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन वो चलते चलते उसी रेगिस्तान में पहुंचा जहां रपंजल को भेजा था। राजकुमार कमजोर हो चुका था, जीने की आस छोड़ चुका था, पर तभी उसके कानों में किसी के गाने की आवाज आई। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ओ मेरे प्यारे राजकुमार, वो जादूगरनी ने तुम्हारे साथ भी पूरा किया। कोई बात नहीं मेरी प्यारी रपंजल, तुम्हारी आवाज मुझे फिर तुम तक खींच लाई और अब हम फिर से मिल गए हैं। हाँ मेरे राजकुमार, पर तुम्हारी आंखें बुरी तरह घायल है। रपंजल राजकुमार को गले लगा के रो रही थी, तभी उसकी आंखों में से आंसू की एक बूंद गिर के राजकुमार की आंखों में गिरती है और फिर जादू हो जाता है। आंसू से राजकुमार की आंखें ठीक हो जाती है। मैं देख सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ मेरी प्यारी रपंजल, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे राजकुमार, तुम ठीक हो गए। फिर रपंजल और राजकुमार दोनों महल गए और उनकी धूमधाम से शादी हुई और नन्हे नन्हे बच्चे भी। वो खुशी खुशी रहने लगी हमेशा हमेशा के लिए। बहुत पुराने समय की बात है, विजयनगर नाम का एक संपन्न राज्य था। वहाँ का राजा कृष्णदेव अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसकी एक बेटी थी अवंती। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। पिताजी मुझे सुनहरे बालों वाली गुड़िया चाहिए। मेरी प्यारी बच्ची, हाँ हाँ जरूर, मैं आज ही मंगवा देता हूँ। फिर एक बार राजा की बेटी यानी राजकुमारी अवंती को नींद नहीं आ रही थी। उसने राजा को अपने पास बुलाया। क्या बात है मेरी बच्ची, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ पिताजी, मैं रोज चांद देख के सोती हूँ, पर आज तो कोई चांद ही नहीं है। तो पिताजी आप मेरे लिए मेरा खुद का चांद ला दोगे क्या? चांद चाहिए मेरी बेटी को, क्यों नहीं। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें ला के दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कल ही अपने मंत्रियों को बोलता हूँ चांद लाने के लिए। और फिर अगले दिन राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और सब समझाते हुए कहा, मंत्री जी राजकुमारी अवंती को खेलने के लिए चांद चाहिए, आप जल्दी से जल्दी इसका प्रबंध करा दीजिए। क्या महाराज, चांद चाहिए? चांद कोई खिलौना नहीं है, आप दुनिया में कोई भी वस्तु मंगा लीजिए तो मैं मंगा सकता हूँ, पर चांद तो कोई वस्तु नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे नहीं होगा, ठीक है एक काम कीजिए, राजगुरु जी को भेजिए। उसके बाद राजगुरु को बुलाया गया। महाराज आपको चांद चाहिए? महाराज बोला चांद को धरती पे कैसे लाया जा सकता है, वो यहाँ से लाखों मील दूर है और ये तो असंभव है। राजगुरु जी आप तो विद्वान हैं, आप अगर ऐसा कहेंगे तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है। महाराज
मैं अपने ज्ञान से ही आपको बता रहा हूँ, चांद को पाने की ख्वाहिश व्यर्थ है। नहीं, हमने अपनी बच्ची को वचन दिया है और एक राजा का वचन जरूर पूर्ण होगा। मंत्री जी, आप राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी हमको चांद लाके देगा उसको इनाम दिया जाएगा। और मंत्री जी ने राज्य में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासी सुनो, राजा का आदेश सुनो, राजकुमारी अवंती को चांद चाहिए। जो भी व्यक्ति ये करने में सक्षम हुआ उसको राजा की तरफ से इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। और सब जगह बस इसी बात की चर्चा होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सुना कल्लो, राजा की बेटी को चांद चाहिए। क्या कहा, चांद? क्यों नहीं, चांद तो हमारे गली में रोज दूध लेके आता है। क्या, कौन? अरे वो चंदू, उस गंजे के तो सिर पे ही चांद है। फिर अगले दिन राजा की सभा में कोई नहीं आया। राजा ये देख के उदास हो गया। ओह, लगता है हमारे राज्य में कोई भी काबिल इंसान नहीं है जो हमारी बिटिया के लिए चांद ला सके। तभी वहाँ सभा में एक बच्चा आया। महाराज की जय हो, मेरा नाम तेनाली है और मैं रानी बिटिया के लिए चांद ला सकता हूँ। अरे नन्हे बालक, जो काम बड़े बड़े लोग, हमारे मंत्री और राजगुरु भी करने में असमर्थ हैं, वो काम तुम इतने छोटे होके कर सकते हो? जी महाराज, आप मेरी उम्र पे ना जाइए, मैं चांद पकड़ने में माहिर हूँ। बस मेरे कुछ सवाल हैं। आप रानी बिटिया से पूछ लीजिए कि उन्हें कितना बड़ा चांद चाहिए। ठीक है, क्यों ना तुम स्वयं ही पूछ लो, वैसे भी हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं आया जो चांद लाके दे सके। राजकुमारी, क्या आप बता सकती हैं कि आपको कितना बड़ा चांद चाहिए? चांद तो चांद जितना बड़ा ही चाहिए ना। अच्छा, और चांद कितना बड़ा है? बहुत आसान है, चांद मेरे अंगूठे के नाखून जितना बड़ा है, क्योंकि जब मैं उसे अंगूठे के पीछे से देखती हूँ तो वो मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है राजकुमारी, मैं जल्दी ही आपके लिए चांद का प्रबंध करता हूँ। और फिर तेनाली ने बाजार जाके एक दुकान में पूछा। अरे भैया, जरा एक पाव बताशे देना। तेनाली वहाँ से बताशे खरीद कर उनको खाता हुआ दरबार में वापस पहुँचा। महाराज महाराज, काम हो गया, ये लीजिए, राजकुमारी के लिए चांद मिल गया। अरे इतनी जल्दी, पर ये क्या, ये तो बताशे जैसा है। जी महाराज, यही चांद है। चांद गोल होता है, सफेद होता है और उसपे गड्ढे भी होते हैं। अच्छा, तो क्या मैं अवंती को ये दे दूं? जरूर महाराज जी, राजकुमारी इसे देख के बहुत खुश होगी। और राजकुमारी अपने चांद को देख के बहुत खुश हुई और खेलने लगी। खेलते खेलते रात हो गई और महाराज और तेनाली दोनों राजकुमारी से मिलने आए। तेनाली ने राजकुमारी से पूछा। अच्छा राजकुमारी अवंती, जरा ये तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे हाथ में है तो वो आसमान से कैसे निकला, ऐसा कैसे हो गया? अरे बुद्धू, तुमको इतना भी नहीं समझता। देखो, अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दांत टूट गया था, पर फिर बाद में वैसा ही दांत दोबारा निकल आया। ठीक वैसे ही जब चांद मैंने ले लिया तो दूसरा चांद निकल आया। और ये सब सुन के राजा को तसल्ली हुई और वो हंस पड़े। चलो बच्चों, अब तुम खेलो और तेनाली, तुम हमारे महल में खेलने के लिए जब भी मन करे आ सकते हो। धन्यवाद महाराज जी, और मेरा इनाम? अरे वो हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ हाँ जरूर। बहुत साल पहले की बात है, एक राज्य था
चंदनगढ़। वहां की राजकुमारी अद्विका जितनी बहादुर थी उतनी ही दिमाग की धनी भी थी। दूर दूर के राज्यों में वो अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध थी। कितना सुंदर वन है, कितने अद्भुत पेड़ और उनसे लटकती हुई लताएं। यहाँ अकेले घुड़सवारी करने में कितना अच्छा लग रहा है। ये निशान मुझे लौटने में मदद करेंगे। इनको देखकर मुझे वापस घर जाने का रास्ता मिलेगा। कितने स्वादिष्ट फल हैं, मजा आ गया। पर अब मुझे लौटना चाहिए। मैं ये निशान देख देख कर वापस चलती हूँ। कितना वक्त हो गया। ये जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं लग रहा। कुछ और देर घोड़े पे चलने के बाद अद्विका को एक कुटिया दिखी। कोई है अंदर? कोई है? आ जाओ राजकुमारी, अंदर आ जाओ। अम्मा, थोड़ा पानी मिलेगा? लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। वैसे आपको कैसे पता चला मैं राजकुमारी हूँ? तुम्हें देखते ही समझ गई थी मैं। सच तो ये है, तुम्हारा इंतजार तो मैं कितने सालों से कर रही हूँ। मेरा इंतजार क्यों अम्मा? विडंबा ने राजकुमारी को बैठने के लिए कहा। अद्विका पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। अम्मा, अब बताओ तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मैं एक जादूगरनी हूँ, अपने जमाने में बहुत मशहूर होती थी। धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, पर अपना बुढ़ापा जादू से ठीक नहीं कर सकती। फिर मैंने अपनी जादुई घड़े में तुमको देखा। मैंने तय कर लिया कि तुमको यहाँ लाऊंगी। वो पेड़ पे जो तुमने निशान बनाए थे, उन सबको अपनी कुटिया की तरफ मैंने ही मोड़ दिया, ताकि तुम रास्ता भटक के यहाँ आ जाओ। और अब तुम उस कुटिया से बाहर नहीं जा सकती। मैंने जादू से दरवाजा शीशे का बना दिया, जो तुम ना तोड़ सकती हो ना पार कर सकती हो। पर तुम चाहती क्या हो? अगली अमावस की रात को मैं जादू से तुमको बूढ़ी बना दूंगी और खुद राजकुमारी बन जाऊंगी, और फिर तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगी। अद्विका चुप हो गई। उसको समझ में आया कि वो जादूगरनी के जाल में फंस चुकी थी। वो वहां से निकलने की तरकीब सोचने लगी। अभी तो शायद 4-5 दिन होंगे अमावस को, क्या करूं? तभी अद्विका को एक तरकीब सूझी। उसको पता था कि बूढ़ी जादूगरनी ठीक से देख भी नहीं पाती थी। उसने अपने पास जेब में रखा एक रुमाल निकाला, रेशम का सिल्वर रंग का रुमाल। पास में रखा मिट्टी का एक तवा लिया और उसको थोड़ा सा तोड़कर उस पे रुमाल बांध दिया। दूर से वो चांद जैसा दिखने लगा। अभी तो चांद लगता है बड़ा ही है, अभी तो अमावस आने में काफी दिन लगेंगे।
राजकुमारी रोज थोड़ा थोड़ा मिट्टी का बर्तन तोड़ देती और चांद को छोटा करती, फिर उसको खिड़की पे टांग देती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। विडंबा को समझ भी नहीं आया कि अमावस्या बीत चुकी थी। फिर एक दिन अद्विका को फिर एक तरकीब सूझी। अद्विका ने रात को सोने से पहले चूल्हे से चुपचाप कुछ जलते हुए कोयले निकाल लिए और अपने बेड के नीचे छुपा के रख दिए। देर रात होने पे अद्विका उठी, देखा कि विडंबा तो सो रही थी। उसने पास में रखी लकड़ी इकट्ठा की और अपनी जेब से कागज का नक्शा निकाला। फिर उसने कोयले से आग जलाई। मैं धीरे से जाकर इसको दरवाजे के पास रख देती। अम्मा उठो, अम्मा उठो, जल्दी करो, आग लग गई है, हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया, अब तो जान बचानी पड़ेगी। मैं जादू से आग नहीं बुझा सकती, मुझे जादू तोड़ना पड़ेगा कुटिया से बाहर निकलने के लिए। अद्विका बाहर निकलने के लिए भागी। उसने देखा कि बूढ़ी जादूगरनी तो चल नहीं पा रही थी। अद्विका वापस आई और विडंबा को उठा के बाहर ले गई। अम्मा हम बच गए हैं, तुम मेरे साथ चलो, हमारे राजवैद्य तुम्हें दवाई देंगे तो तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और तुम हमारे साथ रह सकती हो। मैंने तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ने का सोचा था और तुमने मुझे ही जीवन दान दे दिया। सच सुना था राजकुमारी अद्विका के बारे में, वो सिर्फ वीर नहीं बहुत दयालु भी है। राजकुमारी अद्विका की जय हो। और ऐसे राजकुमारी की अच्छाई से बूढ़ी जादूगरनी भी सुधर गई और अद्विका ने उसको अपने महल ले जाकर उसका ख्याल रखा।